अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप ये वेब ब्रिज देख सकते हैं कि इस वेब ब्रिज को हमने यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे। जी फ्रेंड, जब आपने कोई भी वेब ब्रिज शिफ्ट करना है तो सबसे पहले आपने वेब ब्रिज के चारों तरफ से आपने अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि वेब ब्रिज किसी जगह से साइड से टचिंग वगैरह तो नहीं हो रही। ये अगर टचिंग नहीं हो रही होगी तो हमने फिर नीचे से जैक से इसको ऊपर उठाना है। तो ये आपका ये फिंगल फिंगल करके सारे लोड सेल हमने ऊपर कर देने हैं। ये हमारे इंजीनियर हैं मिस्टर कामरान, जो कि जैक लगा के इसको ऊपर कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं बकाया लोड सेल जो है वो अपनी असल पोजीशन पे लगे हुए हैं। सबसे पहले हमने लोड सेल जो है निकाल देना है। ये 30 फुट बाई 10 फुट का प्लेटफॉर्म है जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट करेंगे। अब घुमाओ फिर अभी दे रहा था। हार नहीं डालते नीचे। बस ठीक है, हो जाएगा। घुमा दो फिर। हाँ यूं, नहीं नहीं यूं यूं लंबाई के रूप में रखो। लंबाई के रूप में? हाँ यूं। हाँ बस ठीक है, बस छोड़ दो। ठीक है, अब जाकर आराम आराम से नीचे कर लो। एक मिनट में जैक नीचे करो। ये बोलो पहले से आप अब ये लोड सेल है, ये हमारे निकल गए हैं। ये लोड सेल थे पहले के लगे हुए, ये हमने निकाल दिए हैं। लोड सेल की जगह खाली हो गई है। अब वहाँ पे भी इस तरह ये खड़ी कर दूँ। जी फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं कि हमने चारों तरफ से जैक लगा के वेब ब्रिज को ऊपर उठा दिया है, लेकिन अभी जो है ये पूरा कंप्लीट ज़्यादा नहीं उठा है। अभी हम इसको मज़ीद जैक उठाएंगे और इसको मज़ीद ऊपर उठाएंगे ताकि आसानी से क्रेन या लिफ्टर से इसको पकड़ा जा सके। जी फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं हमने इसको मज़ीद ऊपर उठा लिया है। अब हम लिफ्टर के थ्रू इसको उठाएंगे और जहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है वहाँ पर हम इसको लेके जाएंगे। और फाउंडेशन के मुतालिक मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि फ़ाउंडेशन आप किस तरीके से बना सकते हैं, उसके अलावा लोड सेलों की लेवलिंग आपने किस तरीके से करनी है, प्लेटफॉर्म किस तरीके से नीचे बिठाना है, और ये सब चीज़ों के मुतालिक हमने कम्प्लीट वीडियो बना रखी है। और ये आपको कम्प्लीट डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि आप वेब ब्रिज किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के इसके मुतालिक किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं।